हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास जहां से हमने स्किप की थी, आज की क्लास हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। जो हमारी स्टोरी चल रही थी, जो चैप्टर नंबर 3 हमारा हिस्ट्री का, क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 जहां हमने स्किप किया था, आज हम अपना चैप्टर वहीं से स्टार्ट करेंगे। मतलब जो हमारी स्टोरी जहां हमने स्किप कर दी थी, हमारी स्टोरी आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। देखो स्टूडेंट, यहां पे आप लोगों को दो पैटर्न दिख रहे हैं। ये एक्चुअल में उस टाइम पे जो कपड़े होते थे उसमें ये पैटर्न यूज किया जाता था। और इसमें जो ब्लू कलर है, ये जो ब्लू कलर है, ये कहाँ से आता था? इंडिगो से आता था। कहाँ से आता था? ये इंडिगो से आता था। अब इसके देखो एक चीज़ है कि ये जो दोनों जो प्रिंट है, इसमें जो भी ब्लू कलर शो किया गया, दिखाया गया है, कौन से प्लांट से हमें मिलता था? ये इंडिगो प्लांट से मिलता था। बेसिकली इंडिगो जो है किस लिए यूज किया जाता था? जो कपड़े होते थे उनको डाई करने के लिए ये यूज होता था। एंड उस टाइम पे क्या था, जो इंडिया था वो इंडिगो का क्या था? बिगेस्ट सप्लायर था। ठीक है, क्या चीजें पता चली हमें? जो ब्लू कलर यूज होता था वो इंडिगो प्लांट से मिलता था, एंड जो इंडिया था एक बिगेस्ट सप्लायर था एट दैट टाइम। नेक्स्ट, किस लिए यूज होता था? कपड़ों को डाई करने के लिए यूज होता था। अब स्टूडेंट देखो, क्या एक प्राइमरी चीज ये है कि जो इंडिगो प्लांट है वो कहीं पे भी ग्रो नहीं होता। कहाँ ग्रो होता है? वो ट्रॉपिक रीजन में ग्रो होता है। जैसे पहले जो ट्रॉपिक, ये हमारा मैप है, ये इंडिया है हमारा, ठीक है, यहाँ ये वर्ल्ड मैप पे देखेंगे तो ये रीजन हमारा क्या आ जाएगा? ट्रॉपिक रीजन आ जाएगा। एंड जस्ट इसके ऊपर ये वाला रीजन टेम्परेट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो इंडिगो का जो प्लांट था किस रीजन में ग्रो होता था? मेनली ट्रॉपिक रीजन में ग्रो होता था। एक क्लाइमेटिक कंडीशन रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए, क्या होती है कि वो ट्रॉपिक रीजन में ग्रो हो सकता है। बट उस टाइम पे क्या था, जो इंडिया का जो इंडिगो था मेनली किसके द्वारा यूज किया जाता था? कौन कौन सी कंट्री? इटली, फ्रांस एंड ब्रिटेन। किसको? ये देखो हमारा जो इंडियन इंडिगो प्लांट है, ये जो मेनली यूज किया जाता था उस टाइम पे, कौन कौन से कंट्री थे? इटली, फ्रांस एंड ब्रिटेन। अब देखो, ये देखा जाता है कि जो इंडिगो की डिमांड थी उस टाइम पे यूरोप में, ऐसी क्या कंडीशंस आई थी या फिर क्या ऐसी कंडीशन क्रिएट हुई थी कि इंडिगो की डिमांड इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई? ठीक है, तो वही कंडीशंस को हम देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशन थी। देखो स्टूडेंट, उस टाइम पे क्या था, जो यूरोप में जो था, वोड नाम का एक प्लांट होता था। किस नाम का? वोड नाम का। ठीक है, इसकी खासियत ये थी कि ये टेम्परेट जोन में ग्रो होता है। हमारा जो इंडिगो वो कहाँ ग्रो होता है? ट्रॉपिकल रीजन में होता है, ट्रॉपिक रीजन में होता है। अब वोड क्या होता है? टेम्परेट रीजन में ग्रो होता है। बट इससे जो कलर फॉर्म होता है वो क्या होता है? बहुत ज्यादा डल टाइप का कलर होता है। बट ये हमारे इंडिगो का कलर कैसा होता है? एक ब्राइट कलर होता है, एक अच्छा दिखता है, अच्छा ब्लू कलर जिसको बोला जाता है। ठीक है, कपड़ों में ये बोलते हैं एक ताजगी से लेके आ जाता है, तो इस टाइप का इंडिगो का कलर होता है ब्लू कलर। बट जो वोड का कलर होता था वो क्या होता था? बहुत ज्यादा डल कलर होता था, वो दिखने में इतना अच्छा नहीं लगता था। तो क्या होता था, स्मॉल अमाउंट ऑफ इंडियन इंडिगो रीच द यूरोपियन मार्केट एंड इट्स प्राइस वॉज वेरी हाई। क्या बोला गया? उस टाइम पे जो इंडिगो था, जब इंडिया से जब इंडिगो यहाँ से जाता था कहाँ पे? यूरोप में, तो उस टाइम पे बहुत कम अमाउंट में वहाँ पे इंडिगो पहुँच पाता था। अब आप लोग पूछोगे कि मैम ऐसा क्यों होता था? तो स्टूडेंट्स देखो, ऐसा इसलिए होता था क्योंकि उस टाइम पे सी रूट इतने नहीं खोजे गए थे, जिस वजह से जो इंडिगो जाता था यूरोप में वो जो हाथी घोड़े इनके ऊपर ही उनको लेके जाया जाता था, जिस वजह से क्या था, बहुत कम ही इंडिगो वहां पे पहुंच पाता था। तो इसी का एक अल्टरनेटिव यूज करने के लिए कि इंडिगो में जो ब्लू कलर मिलता है, क्योंकि इंडिगो के जितने डिमांड थी यूरोप में वो तो फुलफिल नहीं हो पा रही थी, तो उसका कुछ ना कुछ तो ऐसा अल्टरनेट होना चाहिए ना कि जिसको इंडिगो की प्लेस पे हम लोग यूज कर सके, राइट? तो यूरोपियंस ने उस टाइम अल्टरनेट कुछ मेथड यूज करने के लिए कौन सा प्लांट यूज करते थे? वोड प्लांट यूज करते थे, जिसमें कौन से कलर निकलते थे? वॉयलेट एंड ब्लू डाई निकलते, जिससे वॉयलेट एंड ब्लू होता था। अब स्टूडेंट देखो, बींग ए प्लांट ऑफ द टेम्परेट जोन, हमने पहले ही देख लिया कि जो वोड है कौन से जोन में होता है? टेम्परेट जोन में होता है। वोड वॉज मोर इजिली अवेलेबल इन यूरोप, जो वोड जो प्लांट है यूरोप में बहुत ईजिली मिल जाता था, कहीं भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है, कहीं सोचने की जरूरत नहीं है, उस कंट्री में जाओ, वहां जाओ, इंडिगो लेके आओ, कुछ नहीं सोचना, वहां के जो ट्रेडर्स थे ईजिली उनको वोड प्लांट मिल जाता था और वहां पे वो ग्रो होता था और ईजिली वो लोग कपड़ों को डाई वगैरह कर लेते थे, कोई हेडेक नहीं थी उस टाइम पे। इट वॉज ग्रोन इन द नॉर्थन इटली। अच्छा, कहाँ कहाँ ग्रो होता था ये? नॉर्थ इटली के नॉर्थ, साउथ फ्रांस में, फ्रांस जो है उसके साउथ पार्ट में, एंड जर्मनी एंड ब्रिटेन में। ठीक है, अब यहाँ देखो, जो ये वाला हिस्सा है, यहां से लेके ये वाला हिस्सा है, ये वाला एरिया हमारा कौन सा आ जाएगा? ट्रॉपिक रीजन आ जाएगा और ये टेम्परेट आ जाएगा। ठीक है, तो जो टेम्परेट जोन है इसमें कौन सा प्लांट होता था? वोड, और यहां पे इंडिगो। ठीक है, ये दोनों का एक तो डिफ्रेंशिएट ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कि अब अगर वोड को यूज कर रहे हैं, इंडिगो की डिमांड बढ़ा देंगे, क्योंकि इंडिगो से जो कलर फॉर्म हो रहा था वो ब्राइट कलर लग रहा था, दिखने में कलर अच्छा लगता था, बट वोड से जो हमें कलर मिल रहा था, जो यूरोपियंस को उस टाइम पे वहां के ट्रेडर्स को जो कपड़े डाई करने के लिए जो कलर फॉर्म हो रहा था वो कौन सा था?
बहुत डल लगता था। तो इसलिए उस टाइम पे जब इंडिगो की डिमांड बढ़ने लगी कि इसलिए कि भाई कलर अच्छा आता है उससे, तो वहाँ के जो ट्रेडर्स थे उन्होंने गवर्नमेंट से डिमांड की, उनके सामने रिक्वेस्ट की कि भाई प्लीज़ ये इंडिगो से क्या कर दो, आप इंडिगो पे बैन लगा दो, इंडिगो यूरोप में नहीं आना चाहिए। वेरिड बाई द कॉम्पिटिशन, क्यों? उनको डर लग रहा था कि अगर हमारे यहाँ पे इंडिगो आ गया तो वोट से जितने भी ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, एक टाइप से उनको प्रॉफिट होना बंद हो जाएगा, उनका जो वोट से मिलने वाला कलर है वो कोई भी बाय नहीं करेगा फ्रॉम इंडिगो। उनको डर था कि इंडिगो से अगर कंपटीशन होगा तो ठीक है। तो इसलिए उन्होंने गवर्नमेंट पे क्या बनाया, यूरोप गवर्नमेंट पे प्रेशराइज किया गवर्नमेंट को कि प्लीज आप इंडिगो पे क्या कर दो, बैन लगा दो। जितने भी क्लोथ डायर्स है जो डाई करते थे क्लोथ को, किसको प्रेफर करने लगे, इंडिगो को एज ए डाई। इंडिगो प्रोड्यूस ए रिच ब्लू, अब देखो क्या प्रोड्यूस करता था इंडिगो, रिच ब्लू कलर where the dye from wood was dull, एक बहुत फीका फीका सा कलर होता था, ठीक है। जो ब्लू कलर इंडिगो से मिलता था बहुत रिच होता था ब्लू कलर, ठीक है, दिखने में अच्छा लगता था, ब्राइट लगता था, ठीक है, कि कपड़े को अगर देखोगे तो एक ऐसे सॉफ्टनेस वाली फीलिंग आती है, उस टाइप का कपड़ा लगता था। बट वही जो डाई होता था वुड से होता था वो एक डलनेस, कि हाँ ये लगता था भाई ये कपड़ा बहुत पुराना पुराना है। तो दोनों में एक ये डिफरेंस क्रिएट होता था अगर आप इंडिगो को, वो लोग इंडिगो को यूज़ करते हैं एंड वुड को यूज़ करते थे। तो इसी वजह से यूरोप में क्या हो गया, कंपटीशन के लिए इंडिगो से कंपटीशन ना हो जाए, तो इसलिए वहाँ पे गवर्नमेंट पे क्या किया गया, प्रेशराइज किया गया, प्रेशर बनाया गया, लोगों ने वहाँ के जितने भी लोकल ट्रेडर्स थे या ट्रेड करते थे उन्होंने वहाँ पे क्या किया, उनको गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाया कि आप बैन कर दो किसको, इंडियन इंडिगो को, ये देखो हमारा इंडियन इंडिगो प्लांट है, इसको एक बार बैन लगा दिया वहाँ की गवर्नमेंट ने। अब स्टूडेंट देखो वहाँ पे तो बैन लगा दिया कहाँ पे, यूरोप में, बट इसका धीरे धीरे इंडिगो का वहाँ पे बैन लग चुका है, बट वो जो यूरोप में होता था इंडिगो वहां पे बैन होके अब कहाँ पे शिफ्ट हो गया, कहाँ पे कल्टीवेशन होना स्टार्ट हो गया, फ्रेंच के कैरिबियन आइसलैंड में, पोर्टुगीज करते थे ब्राजील में, जो इंग्लिश थे वो जमैका में, एंड स्पेनिश थे वो वेंजुएला से, यहाँ से वो लोग क्या करते थे इंडिगो की खेती करवाते थे। बट 18th सेंचुरी के एंड होते होते जो डिमांड थी इंडियन इंडिगो की वो क्या हो गई, और ज्यादा बढ़ गई। ब्रिटेन बिगेन टू इंडस्ट्रियलाइज इट्स कॉटन प्रोडक्शन एक्सपेंड, क्योंकि धीरे धीरे जो ब्रिटेन था वहाँ पे जो कॉटन का जो प्रोडक्शन था वो क्या था, एक्सपेंड हो रहा था, बढ़ रहा था धीरे धीरे। तो इसी वजह से जो इंडिगो की डिमांड थी वो भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई। अब इसी वजह से क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग सप्लायर्स थे कहाँ से, वेस्ट इंडीज से एंड अमेरिका से, उनका जो मार्केट था वो कोलैप्स हो गया, ठीक है, उनका मार्केट कोलैप्स हो गया, वहाँ से इंडिगो सप्लाई होना काफ़ी हद तक बंद हो गया था। Between 1783 and 1789, the production of indigo in the world fell by half. मतलब जितना production होता था, पहले अगर 1000 यूनिट का production हो रहा था तो बिल्कुल क्या हो गया था, हाफ हो गया था, मतलब 500 यूनिट का हो गया था, ठीक है। किसके बिटवीन, 1783 से 1789 के बिटवीन जितना भी इंडिगो का प्रोडक्शन होता था, जितना इंडिगो होता था उसका हाफ प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो गया। क्लोथ डायर्स इन ब्रिटेन नाउ Disparately look for a new sources. अब जो वहाँ के डायर्स थे क्लोथ्स को जो डाई करते थे वो एक नया सोर्स ढूंढने लग गए कि अब कहाँ हम मूव कर सकते हैं, कहाँ से हम इंडिगो प्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो जब उन्होंने कोई नया सोर्स देखा कि अब हमें कहाँ से इंडिगो को प्रोड्यूस करवाना चाहिए, कौन सी ऐसी पर्टिकुलर प्लेस हम चूज करें जहाँ से हम इंडिगो की खेती किसानों से करवा सकते हैं, तो इसी में उनको आइडिया आया किसका, इंडिया का, कि भाई इंडिया से, क्योंकि इंडिया भी ट्रॉपिक रीजन में पड़ता है, तो इसलिए उनको आइडिया आया इंडिया का कि अब इंडिगो की खेती कहां पे की जाए, इंडिया में। तो ब्रिटेन जो था उसने टर्न हो गया कहां पे, अपने आप को टर्न कर लिया, इंडिया में, कि अब भाई चलो इंडिया से इंडिगो की खेती करवाई जाए। अब देखो डिमांड बढ़ रही थी इंडिगो की, किसने कहां पे, यूरोप में इंडिगो की डिमांड इंक्रीज हो रही थी। अब जो यूरोपियन थे या फिर जो यूरोप था, द कंपनी इन इंडिया लुक फॉर वे टू एक्सपेंड द एरिया अंडर इंडिगो कल्टिवेशन, वो ये चाहता था कि इंडिगो के अंदर जो इंडिगो की खेती है उसके अंदर मोर ज्यादा से ज्यादा जो एरिया उनको कल्टिवेशन के लिए मिले, ताकि वो लोग यूरोप की डिमांड को क्या कर सके, फुलफिल कर सके, जहां यूरोप की डिमांड कंप्लीट नहीं हो रही थी, फुल नहीं हो रही थी कंप्लीटली किसकी, इंडिगो को लेकर। तो इसलिए वो चाहते थे कि हमें यहाँ पे इतनी लैंड मिल जाए कल्टिवेशन के लिए कि हम लोग जो यूरोपियंस की डिमांड है उसको क्या कर सके, फुलफिल कर सके। इसी के कारण क्या होता है कि 18th सेंचुरी में इंडिगो कल्टीवेशन इन बंगाल एक्सपेंड हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है फैलना, ठीक है, रैपिडली, बहुत तेजी से, एंड बंगाल इंडिगो कम टू डोमिनेट, और जो बंगाल का जो इंडिगो था धीरे धीरे क्या करता है, वर्ल्ड का जो मार्केट था उसको कैप्चर कर लेता है, उस पर अपना कंट्रोल स्थापित कर लेता है।
अब इसका रिजल्ट क्या होता है कि जो 1788 जब 1788 में वर्ल्ड में बाकी हिस्सों में भी जब इंडिगो की खेती की जा रही थी, उस टाइम पे जो इंडिया से इंडिगो जा रहा था जस्ट 30% था. कितना था? 30% था. अब वो हिस्सा 1810 में कितना हो गया? 95% से कितना इंक्रीज हो गया? कहां शिफ्ट हुआ? 95% पे. क्या बोला गया? 1788 में जो हिस्सा इंडिगो का इंडिया से जाता था बाहर, वो कितना था? जस्ट 30% था. ठीक है, बहुत कम अमाउंट है 30% टोटल वर्ल्ड का. बट 1810 में कितना हो गया ये? 95%. अब स्टूडेंट देखो, कुछ ना कुछ इश्यू हुए होंगे. ठीक है, अगर इश्यू क्या क्रिएट हुए होंगे, कुछ ना कुछ किसानों को भी प्रॉब्लम हुई होगी. अब इश्यू देखते हैं. एज द इंडिगो ट्रेड ग्रू, जैसे जैसे इंडिगो का ट्रेड फैलने लगा, वैसे वैसे कमर्शियल एजेंट थे, कमर्शियल एजेंट आगे आने लगे. कुछ ऑफिसर्स थे कंपनी के, उन्होंने अपनी जॉब तक छोड़ दी कि भाई अब इंडिगो में जो बिजनेस है, इंडिगो का बिजनेस है, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा है और अब हम यही बिजनेस करेंगे. तो उन लोगों ने क्या किया, अपनी जॉब वगैरह छोड़ दी और किस में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया? इंडिगो प्रोडक्शन में. मैनी कंपनी ऑफ लेफ्ट देयर जॉब, अपनी जॉब वगैरह सब उन्होंने छोड़ दी और इंडिगो का बिजनेस उन लोगों ने स्टार्ट कर दिया. इसी से क्या, किस लिए किया? बिकॉज इसमें क्या लगता था उनको कि इंडिगो के बिजनेस में क्या है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, हाई प्रॉफिट है इसमें. ठीक है, एंड इंग्लिश मैन कम टू इंडिया एंड बिकम प्लांटर्स. और जो भी स्कॉटमैन थे या फिर इंग्लिश मैन थे, वो यहाँ पे आके क्या बन गए? प्लांटर्स बन गए, जो इंडिगो को प्लांट करते थे. ठीक है, इंडिगो को उगाते थे तो वो प्लांटर्स बन गए. दोज हु हैड नो मनी टू प्रोड्यूस इंडिगो. अब किसी के पास, जरूरी नहीं हर एक के पास इंडिगो उगाने के लिए पैसा हो. तो जिनके पास पैसा नहीं होता था, तो ये लोग उनको क्या प्रोवाइड करने लग गए? लोन प्रोवाइड करने लग गए. क्या भाई, हम आपको लोन देते हैं, पैसा एडवांस में देते हैं, आप इंडिगो की खेती करो. आप देखो, इंडिगो को प्रोड्यूस करने के लिए उस टाइम पे दो टाइप के सिस्टम थे. कितने टाइप के? दो टाइप के सिस्टम थे. अब ये दो कौन कौन से थे? एक तो निज था, एक मेथड निज था, एंड दूसरा मेथड था रैती. अभी देखो, मैं आपको सिंपल में बताती हूँ. निज में क्या होता था, निज मेथड में क्या होता था कि जो प्लांटर्स होते थे, वो एक बड़ा हिस्सा लैंड का, जैसे 1000 acres ले लिया, ठीक है, एक बड़ा लैंड का हिस्सा क्या लेते थे? रेंट पे ले लेते थे या खुद का वो बाय कर लेते थे. फिर उस जमीन पे क्या करते, जैसे एक ये पर्टिकुलर जमीन ले ली, इस जमीन पे वो लोग क्या करते थे? मजदूर वगैरह रख लेते थे, सारा जो बैल वगैरह उस टाइम पे जिनसे खेती की जाती थी, वो सब रख के प्लांट करवाते थे, सारी खेती उनके थ्रू करवाते थे. बट एक बड़ा हिस्सा ये लोग लैंड का रेंट पे लेते थे या लीज पे लेते थे या जमीन को खरीद लेते थे. ठीक है, दूसरा था रैती. रैती में क्या होता था, किसानों को फोर्स किया जाता था, किसानों को फोर्स, प्लांटर्स के थ्रू किसानों को फोर्स किया जाता था. और उसमें किसानों में ये नहीं, किसान आते थे, जो किसी भी विलेज का हेडमैन होता था, ठीक है, एक हेड होता था, उसको फोर्सफुली उससे डॉक्यूमेंट साइन करवाया जाता था, एक एग्रीमेंट साइन करवाया जाता था कि आप एग्रीमेंट साइन करो और आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी ये जिम्मेदारी हम आपको सौंप रहे हैं कि जितने भी गांव में लोग हैं, सबसे आपको जो इंडिगो की खेती है वो करवानी है. बस इसमें शर्त ये होती थी कि जो जमीन उनकी होती थी, ये उन लोगों को एडवांस में अमाउंट देते थे एज इन द फॉर्म ऑफ लोन. बट एक कंडीशन ये होती थी कि उन लोगों को 25% लैंड पे, जितनी टोटल लैंड है उसके 25% पे इंडिगो करना ही होगा. इंडिगो की खेती कंपलसरी है, इंडिगो को ग्रो करना ही होगा उस पे. ठीक है, तो ये था रैती सिस्टम. लीज में क्या समझा, प्लांटर्स होते थे, बड़े टाइप एक हिस्सा अपने वो या तो लीज पे ले लेते थे या रेंट पे ले लेते थे. उसमें क्या रखते थे, मजदूर लेके आते थे, प्लांट करवाते थे, सारा करते थे, जितना खर्चा पानी होता था, सीड्स का होता था, व्हाटएवर जो भी होता था, बैल वगैरह जितना भी जो भी यूज होता, सब लोग उनको प्रोवाइड करवाते थे मजदूरों को और उनसे खेती करवाते थे. बट रैती में क्या होता था, ध्यान से सुनना वापिस से, रैती में जो प्लांटर्स होते थे, वो किसी पर्टिकुलर विलेज को या ग्रुप ऑफ विलेज में जो भी हेड होते थे, उनको फोर्स करते थे कि आप हमारे साथ रिटन डॉक्यूमेंट साइन करो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप गांव के जितने भी लोग हैं उनसे उनकी खेती का 25% लैंड पे इंडिगो ग्रो करवाओगे, हम आपको इसके बदले में क्या करेंगे, एडवांस में लोन देंगे. तो स्टार्टिंग में तो किसान बहुत खुश हो गए, भाई किसी खेती के लिए हम लोगों को पहले ही पैसा मिल रहा है, हमको तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. बट रियल में कंडीशंस ऐसी नहीं थी. देखो, एग्रीमेंट होती जिसको सत्ता बोला जाता था, क्या किया जाता था उनको, प्रेशराइज किया जाता था किसको, विलेज हेडमैन को, टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द रैती. अब स्टूडेंट देखो, जो प्लांटर्स होते थे, डिफिकल्ट टू एक्सपेंड द एरिया अंडर निज कल्टीवेशन. उन देखो, अभी निज कल्टीवेशन के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम थी, निज कल्टीवेशन के अंदर भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी. जैसे नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, वैसे ही इसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट था. क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी उस टाइम पे जो किसान थे उनको, या फिर जो निज कल्टीवेशन जो प्लांटर्स थे उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती. देखो, जो प्लांटर्स थे, पहली चीज़ तो उनको ना इतना बड़ा अमाउंट में या फिर इतना बड़ा हिस्सा उनका लैंड को उनको मिलता ही नहीं था. अगर बाई चांस किसी को मिल जाता था, लीज पे मिल गया, रेंट पे मिल गया, तो उनको लेबर नहीं मिलती थी.
क्यों नहीं मिलती थी? क्योंकि जिस टाइम पे इंडिगो को ग्रो करना होता था, इंडिगो की खेती करनी होती थी, उस टाइम पे जो किसान थे वो बिजी होते थे वीट या फिर राइस की फसल को ग्रो करने में, तो इसलिए उनको इजीली हर चीज अवेलेबल नहीं होती थी। अब देखो नेक्स्ट क्या बोला गया, इंडिगो कुड बी कल्टिवेटेड ओनली ऑन फर्टाइल लैंड। जो इंडिगो की खेती होती है ना स्टूडेंट्स, वो क्या होती है कि सब फर्टाइल लैंड पे ही ग्रो हो सकती है। उसकी कंडीशन ये होती है क्योंकि इंडिगो का पौधा ऐसा होता है कि जमीन के, उसकी जो जड़ें होती है ना वो जमीन के बहुत डीप में जाती है, तो सारा का सारा जितना भी न्यूट्रिएंट्स होता है सोइल में वो उसको अब्सॉर्ब कर लेती है। तो जो इंडिगो की खेती होती है कहाँ होती थी? ओनली ऑन फर्टाइल लैंड, जो सिर्फ फर्टाइल लैंड होती थी उसी पे हो सकती थी। एंड दीज वर ऑलरेडी डेंसली पॉपुलेटेड, और वहाँ पे ऑलरेडी क्या था, जो फर्टाइल लैंड थी वहाँ पे ऑलरेडी इतना क्या हो रखा था, पॉपुलेटेड, ऑलरेडी इतनी पॉपुलेशन वहाँ पे थी कि इतना बड़ा हिस्सा उनको जो प्लांटर्स थे उनको नहीं मिल सकता था कल्टिवेशन के लिए। ओनली स्मॉल प्लॉट स्कैटर्ड, सिर्फ क्या अवेलेबल थे, छोटे छोटे प्लॉट ही अवेलेबल थे। प्लांटर्स नीडेड लार्ज एरिया इन कॉम्पैक्ट ब्लॉक्स। अभी प्लांटर्स को कैसा एरिया चाहिए था प्लांटेशन के लिए, कल्टिवेशन के लिए, इंडिगो के कल्टिवेशन के लिए प्लांटर्स को कैसा एरिया चाहिए था? स्टार्टिंग में डिस्कस किया, बहुत बड़ा हिस्सा, जैसे 1000 acres हो गया, ठीक है, हेक्टेयर हो गया, 1000 hectares हो गया, एकड़ हो गया, इतना अमाउंट में उन लोगों को जमीन चाहिए होती थी। दे अटेम्प्ट टू लीज, क्या लेते थे, लीज पे लेते थे लैंड को अराउंड द इंडिगो फैक्ट्री। मतलब क्या हुआ, सपोज इनकी इंडिगो फैक्ट्री है यहाँ पे, ठीक है, इंडिगो फैक्ट्री के नियर बाई में जहाँ पे इंडिगो की फैक्ट्री एस्टेब्लिश किया, उन्होंने फैक्ट्री को सेटअप किया, उन्होंने उसके आसपास में ही लेंगे जगह। बट ये पॉसिबिलिटी नहीं होती थी कि उनको वहाँ पे जगह इतने अमाउंट में या फिर इतने बड़े बड़े प्लॉट उनको अवेलेबल हो जाए, तो ये उनके लिए एक मुसीबत वाली बात थी कि भाई हम लोगों को अपनी फैक्ट्री के नियर बाई इतने बड़े जो प्लॉट है वो कल्टिवेशन के लिए इजिली नहीं मिल रहे हैं। बट दिस ऑलवेज लेड टू कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशन एंड लेबर वॉज नॉट इजिली अवेलेबल। ठीक है, पहले डिस्की कि लेबर भी इजिली अवेलेबल नहीं हो रहे थे उनको, क्योंकि इतने बड़े लैंड के हिस्से पे काम करने के लिए बहुत ज्यादा लेबर की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है, ठीक है, औजारों की जरूरत होती है। अब नेक्स्ट रूल, लेबर वॉज नीडेड टू द टाइम व्हेन द पीजेंट्स वर यूजुअली बिजी। वही चीज, कहाँ बिजी रहते थे उस टाइम पे जो किसान थे, राइस कल्टिवेशन में। कहाँ पे बिजी रहते थे, राइस कल्टिवेशन में। दिस कल्टिवेशन ऑन लार्ज स्केल ऑल्सो रिक्वायर्ड मैनी प्लग एंड प्ले। देखो उस टाइम पे क्या थे, जैसे बैल चाहिए, देखो यहाँ पे बैल दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या, बैल का पूरा जोड़ा क्या होता, दो बैल चाहिए होते, तो इतने बड़े लैंड के ऊपर खेती करने के लिए, कल्टिवेशन करने के लिए इजीली क्या, बैल वगैरह भी अवेलेबल नहीं थे। हल वगैरह होते हैं, बैल वगैरह होते हैं, ये सारी चीज़ें भी उस टाइम पे इजीली अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पे देखो ट्रैक्टर वगैरह तो थे नहीं कि भाई ट्रैक्टर से खेती कर ली जल्दी हो जाएगा, ठीक है, नहीं ऐसा नहीं था उस टाइम पे, तो बैल होते थे, हल वगैरह होते थे, इन्हीं से खेती की जाती थी। तो अगर इतनी बड़ी लैंड पे अगर आप खेती कर रहे हो, कल्टिवेशन कर रहे हो, तो इजीली बैल वगैरह अवेलेबल नहीं होते थे, क्योंकि जितने जिनके पास बैल वगैरह होते थे, हल वगैरह होते थे, वो लोग तो ऑलरेडी बिजी हैं कहाँ पे, राइस कल्टिवेशन में। अब देखो जैसे दो बैल है, ठीक है, 1 acre के लिए कितने बैल रिक्वायरमेंट होते थे, 2, ठीक है, ये बीघा होती है, एक यूनिट है जमीन को मेजर करने की, लोकली फ्रॉम 1/3 to 1 acre, ठीक है। दिस मीन दैट द प्लांटर्स विद 1000 acres वुड नीडेड। अब देखो 1 acre के लिए कितने रिक्वायर है, 2 bales चाहिए, तो कॉमन सेंस लगाओ, अगर बड़े अमाउंट में प्लॉट है जैसे 1000 acres का है तो कितने चाहिए होंगे, 2000, जो कि इजीली अवेलेबल नहीं होते थे, तो एक प्रॉब्लमेटिक कंडीशन हो जाती थी। अब स्टूडेंट देखो, इन्वेस्टिंग ऑन परचेस एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लग वॉज ए बिग प्रॉब्लम। मतलब बैलों वगैरह को अरेंज करना, उन पे इन्वेस्ट करना या खरीदना, यही एक बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी। अब ये तो हो गया हमारा निज कल्टिवेशन का, कि निज कल्टिवेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, तो पहली चीज इतना बड़ा अमाउंट में लैंड उन लोगों को नहीं मिलता था। नेक्स्ट लेबर नहीं मिल, जो लेबर है वो लेबर नहीं मिलती थी इजीली अवेलेबल नहीं होती थी। जिस टाइम पे इंडिगो के कल्टीवेशन का टाइम होता था उस टाइम पे जो किसान थे कहाँ बिजी रहते थे, राइस कल्टीवेशन में बिजी रहते थे, ठीक है। नेक्स्ट चीज, जैसे 1 acre के लिए 2 bales की रिक्वायरमेंट होती है, हल वगैरह 2 bales की रिक्वायरमेंट होती, तो 1 acre अगर हमारे पास, उनके पास अगर जमीन थी तो उसके लिए उन लोगों को कितना बैलों की रिक्वायरमेंट होती थी, 2000, ठीक है। तो ये जो सारी कंडीशन थी उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो रही थी। आप देखो रायती सिस्टम की देखते हैं, इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ रायती सिस्टम। रायती सिस्टम में क्या था, इसमें देखो क्या होता था, साइन करवाते थे कॉन्ट्रैक्ट, एडवांस में क्या देते थे, कैश इन द फॉर्म ऑफ लोन। कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया, एडवांस में उनको पैसा दिया, ठीक है, जैसे यहां देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट हुआ, यहाँ पे लोन दिया, 25% जमीन पे नील की खेती करवाई, इंडिगो की खेती करवाई, एंड अगेन यहां से फिर इनको सेल करना है, इनको जो प्लांटर्स होते थे, यहाँ पे प्लांटर्स होते थे, ये इनको वापिस से सेल करनी है। तो ये जो सर्कल था क्या चलता रहता था, कॉन्ट्रैक्ट करो, लोन लो ग्रो करने के लिए, 25% क्या करो, 25% जमीन पे क्या करना है, इंडिगो को ग्रो करो, देन इंडिगो को
वापिस से प्लांटर्स को आप बेच दो। तो ये वाला जो सिस्टम था, एंड नेक्स्ट अगले साल के लिए फिर से कॉन्ट्रैक्ट करो, एडवांस में पैसा लो, 25% जमीन पे फिर से इसकी इंडिगो की खेती करो, फिर बेच दो। तो ये वाला जो सर्कल था ये चलता रहता था। अब इसमें क्या होता था, एक साइन होता कॉन्ट्रैक्ट, जो कि प्लांटर साइन करवाते थे हेडमैन से, किसी भी विलेज का जो हेडमैन होता था, जो मुखिया होता था, ठीक है, उससे साइन करवाते थे। अब प्रॉब्लम यहाँ ये थी कि उनसे जबरदस्ती साइन करवाई जाती थी वो चीज़ें, ठीक है, उनको दे दिया जाता था रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे कि ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, हमें नहीं पता भाई, हमको नहीं मालूम आप लोग कहाँ से इंडिगो लेके आओगे, हमें, हम आपको इतना अमाउंट दे रहे हैं एडवांस में, आप लोग जाओ किसानों से उनकी जमीन पे 25% लैंड पे इंडिगो ग्रो करवाओ, ये लो अपना पैसा एडवांस में। बस स्टार्टिंग में किसान क्या हो गए थे, उस चीज से खुश हो गए थे कि हाँ भाई हम लोगों को एडवांस में पैसा मिल रहा है। व्हेन द क्रॉप वाज डिलीवर्ड टू द प्लांटर्स आफ्टर द हार्वेस्ट एंड न्यू लोन वाज गिवन, सेम वही चीज जो सर्कल हमने बनाया था ना यहाँ पे, पहली चीज क्या होती थी, कॉन्ट्रैक्ट, देन लोन प्रोवाइड कर दिया, अगेन 25% लैंड पे इंडिगो ग्रो करने, फिर किसको सेल कर देनी है, ये जो प्लांटर्स हैं उनको, प्लांटर्स हो गए, प्रोवाइड द सीड्स एंड द ड्रिल, ये क्या करते थे, उनको सीड्स वगैरह भी प्रोवाइड कर देते थे कि भाई लो हम आपको बीज वगैरह भी दे देते हैं, आप लोग इससे खेती करो। अब जो कल्टीवेटर से क्या, प्रिपेयर द सॉइल, और वो सॉइल को प्रिपेयर करते थे उस चीज़ के लिए, खेती के लिए, एंड आफ्टर द क्रॉप, जैसे वो क्रॉप हो जाती थी, कंप्लीट हो जाती थी, इंडिगो की खेती हो जाती, प्लग हो जाती थी, फिर उसको वापस से सेल कर देते थे किनको, जो प्लांटर्स होते थे उनको। तो ये जो सर्कल था ये स्टार्ट होता था और लास्ट में फिर से वहीं से स्टार्ट होकर एंड होता, एंड फिर से ये वैसे ही स्टार्ट हो जाता था। अब स्टूडेंट्स देखो, द प्राइस दे गॉट द, अब इंडिगो की जो प्राइस मिल रही थी उनको, जो प्लांटर्स उनसे इंडिगो ले रहे थे, वो जो मार्केट प्राइस थी उससे भी बहुत ज़्यादा कम प्राइस पे वो लोग उनसे खरीदते थे। तो इससे किसानों को क्या होगा, ऑब्वियसली नुकसान होगा, ठीक है, ये चीज़ें उनको बाद में रियलाइज हुई किसानों को कि भाई हमें को लोन तो मिल रहा है एडवांस में, बट वो अमाउंट इनफ नहीं है, ठीक है, इतना अमाउंट तो उनका ऑलरेडी खर्चा हो जाता था, और जब वो उसको सेल करते थे वापस से किनको, प्लांटर्स को, तो वो बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में उनसे खरीदते थे, मतलब एक्चुअल में जो मार्केट प्राइस होती थी, अगर 100 रुपीज़ अगर मार्केट प्राइस है तो वो लोग उनसे 20 या 30 रुपीज़ पे उनसे खरीदते थे, ठीक है, तो एक्चुअल में जो मार्केट प्राइस होती थी उससे बहुत ज़्यादा कम अमाउंट पे वो लोग उनसे इंडिगो को बाय करते थे। ये चीज़ें किसानों को बाद में रियलाइज हो गई। अब देखो स्टूडेंट, देयर वाज अदर प्रॉब्लम टू, एक और प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है इससे, क्या था, प्लांटर्स यूजुअली इंसिस्ट दैट इंडिगो बी कल्टीवेटेड ऑन द बेस्ट सोयल। अब बताए प्लांटर्स क्या, एक प्रॉब्लम ये भी थी कि प्लांटर्स उनको फोर्स करते थे कि भाई आपकी खेती है 25% लैंड पे आपको ग्रो करनी है इंडिगो, बट आप वो जो 25 यूज करोगे ना वो आपकी बेस्ट लैंड होनी चाहिए, फर्टाइल लैंड होनी चाहिए, हमको नहीं पता बाकी खेती पे आप कुछ भी करो, बट जो 25% जिस भी लैंड पे आप इंडिगो ग्रो करोगे वो आपकी बेस्ट लैंड एंड फर्टाइल लैंड होनी चाहिए। तो ये एक काफी बड़ी प्रॉब्लम थी। देखो क्या प्रॉब्लम थी इसमें, प्रॉब्लम इसलिए थी कि जो इंडिगो ग्रो होता था उसकी रूट्स जो होती थी बहुत डीप होती थी, पहले डिस्कस की ना हमने ये चीज़, उसकी जो रूट्स होती थी बहुत डीप होती थी, वो सॉइल के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे उनको एब्जॉर्ब कर लेती थी। अब एक बार वहाँ पे अगर इंडिगो की खेती हो गई तो आप दोबारा वहाँ पे किसी दूसरे प्लांट को ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ के जो न्यूट्रिएंट्स थे वो ऑलरेडी इंडिगो जो प्लांट था उसने गेन कर लिए हैं, इंडिगो प्लांट ने उसको ले लिया, तो ये एक प्रॉब्लमेटिक कंडीशन होती थी। अब स्टूडेंट्स देखो, उसके बाद एक रिबेलियन होती है, ब्लू रेबेलियन, ठीक है, ब्लू रेबेलियन होती है, किस लिए होती है, देखो किसानों को इंडिगो के लिए फोर्स किया जा रहा था, बट ये रिबेलियन होती क्यों है, इसके पीछे मेन रीजन क्या था, ऐसा क्या हो गया था कि किसानों को, जो एक बहुत सीधे साधे लोग थे, जो अपनी खेती करते थे, अपने काम से मतलब रखते थे, उनको ऐसी क्या नौबत आन पड़ी थी, अब उनके ऐसी क्या कंडीशंस हो गई थी कि उनको रिबेलियन करने की जरूरत पड़ी। स्टूडेंट्स देखो, रिबेलियन के पीछे एक मेन रीजन ये भी था, किसानों को ये चीज़ तो फील हो रही थी कि इंडिगो की जो कल्टीवेशन कर रहे हैं वो, जो खेती कर रहे हैं उसमें उनका फायदा कुछ नहीं है, बट अगर वो रिबेलियन करते हैं, ठीक है, वो अगेंस्ट में जाते हैं प्लांटर्स के, तो जो वहाँ के हेडमैन थे, लोकल गवर्नमेंट थी, वो उन लोगों के साथ है, वो उन लोगों का साथ देगी, इसीलिए उनका मतलब जो हौसला था वो इतना बढ़ गया कि उन्होंने रिबेलियन करने की सोची। अब क्या करते हैं, इन मार्च 1859, देखो यहाँ पे मार्च 1859, ये 1859 की बात चल रही है, 1859 से 1858 में ऑलरेडी रिवॉल्यूशन हो चुकी थी, रिवॉल्यूशन होने का इम्पैक्ट इस चीज़ पे ये हुआ कि अब ब्रिटिशर्स ये नहीं चाहते थे कि एक और रिवॉल्यूशन हो, तो इसलिए वो भी क्या, यहाँ पे जो रैत्स थे उनके साथ में मिल गए, तो यहाँ पे रैत को लगने लग गया कि ब्रिटिशर्स क्या हमारे साथ है, हम प्लांटर्स के अगेंस्ट में रिबेलियन कर सकते हैं। तो जब 1859 की बात चल रही थी तो जो रैत्स थे इन बंगाल रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो, उन्होंने इंडिगो को ग्रो करने से क्या कर दिया, मना कर दिया कि भाई हम अब इंडिगो को ग्रो नहीं करेंगे, आप कुछ भी कर लो हम इंडिगो अपने जमीन पे नहीं ग्रो होने देंगे। एज अ रिबेलियन सेपरेट, धीरे धीरे जो ये रिबेलियन थे ये फैलने लग गई, अलग अलग हिस्सों में ये फैल गई। अब फैल गई तो इसका क्या, इसके इम्पैक्ट क्या होंगे, क्या प्रभाव पड़ेंगे इसके, रईस रिफ्यूज टू पे रेंट,
जो प्लांटर्स को जो रेंट देते थे, भाई कुछ भी कर लो रेंट नहीं देंगे, रेंट देने से मना कर दिया। इंडिगो फैक्ट्रीज जितने भी थी उनको क्या कर दिया, वो भाला हो गए, तीर हो गए, इन सब से वहाँ पे क्या क्या वहाँ पे जो लोग रहते थे या जो भी वहाँ पे प्रेजेंट रहते थे उनके ऊपर उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया। भाला, तीर, तलवार, जो भी हथियार उनको मिलता था सब चीज़ें उन्होंने यूज़ की। वुमेन, जो औरतें थी वो भी क्या, उन्होंने भी क्या किया, औरतें भी इस लड़ाई में शामिल हुई। किचन के जितने भी बर्तन या जो हथियार वगैरह उनको मिलते थे उनसे उन्होंने लड़ाई को अपनी शुरू कर दिया। देखो, किचन के जितने भी इक्विपमेंट्स उनको, जितने भी बर्तन वगैरह जो भी उनको मिल जाते थे औरतों को, उन सब से उन्होंने रिबेलियन में उनको यूज़ किया। जो एजेंट्स है वो प्लांटर्स हु कम टू कलेक्ट रेंट, जो रेंट कलेक्ट करने के लिए आते थे, अब उनके साथ क्या करते थे, बीटन, उनको पीट दिया जाता था, उनको पीट, जो भी रेंट कलेक्ट करने आते थे उनको पूरा ग्रुप मिलके या लोग मिलके उनको पीट देते थे कि भाई भाग जाओ यहाँ से, हम आप लोगों को रेंट पे नहीं करेंगे। कंप्लीटली डिनाई कर दिया, कुछ भी करो हम ना रेंट देंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, कुछ भी ना इंडिगो उगाएंगे, जो करना है करो। अब जो भी प्लांटर्स के लिए काम करता था, लोकल लेवल पे हो गया, जो प्लांटर्स को या फिर न्यूज़ दे देता था या फिर कुछ और बातें उनको जाके बताता था, उन लोगों के लिए कोई भी काम करता था सोशल लेवल पे, समाज में उन लोगों का बायकॉट कर दिया। ठीक है, बायकॉट उनको एक टाइप से इग्नोर करने लग गए लोग वहाँ पे। अब क्या इम्पैक्ट होता है, जो रहत होते हैं वहाँ के, दी वुड नो लॉन्गर टू टेक एडवांस ऑफ द सोइल। अब उन लोगों को इस चीज़ से, जो प्लांटर्स वगैरह को जो होते थे उनको इस चीज़ का क्या नहीं मिल रहा था, कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा था, क्योंकि ऑलरेडी सब हर काम से वो लोग डिनाय, रहत जो थे वो डिनाय कर चुके। तो क्लियरली बोला गया कि जो इंडिगो सिस्टम था क्या हो गया था, काफ़ी हद तक ख़त्म होना स्टार्ट हो गया था, लोगों ने इंडिगो ग्रो करनी बंद कर दी थी। बट दोज हु आर अपोज डू नॉट ऑलवेज राइज अप इन द रिबेलियन, दे डू सो ओनली एट टाइम्स। मतलब क्या क्या कि धीरे धीरे, ये नहीं है कि बंगाल में ख़त्म हो गई तो हो गई, धीरे धीरे क्या हो गया, बंगाल से तो ख़त्म होना स्टार्ट हो गई क्या, जो ब्लू रेबेलियन थी वो, बट ये दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाती है। अब वो देखते हैं, हम आगे डिस्कस करते हैं कहाँ पे। इन 1859 द इंडिगो रॉयल्स फेल्ट दैट, उनको फील होता है, ये क्या फील होता है, दे हैड द सपोर्ट ऑफ द लोकल। देखो क्यों होता है रिबेलियन, वही चीज़ की उनको ये फील हुआ कि भाई हम लोगों को क्या मिला हुआ है, लोकल सपोर्ट मिला हुआ है, एक सपोर्ट सिस्टम हमारे साथ है। किन किन का सपोर्ट, जमींदार है जो बड़े बड़े, एंड विलेज का जो हेडमैन है, ठीक है, ये किसके अगेंस्ट में है, प्लांटर्स के अगेंस्ट में। क्यों है, क्योंकि देखो जमींदार्स और जो हेडमैन होते थे, प्लांटर्स उनसे जबरदस्ती साइन करवाते थे, तो ऑब्वियसली जबरदस्ती साइन करवाएंगे तो वो भी उस चीज़ से परेशान थे ना कि भाई हम लोगों को परेशान कर रहे, टॉर्चर कर रहे, ये तो ऑब्वियसली वो उन लोगों के अगेंस्ट में जाएंगे ही। अब तो देखो लोकल जमींदार थे जो बहुत सारे गांव थे उसके हेडमैन थे, हु हैड बीन फोर्स टू साइन, क्योंकि उनको फोर्स किया जाता था किसके लिए, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए, सिंपल सी बात है, तो ऑब्वियसली वो किसके साथ होंगे, किसानों के साथ होंगे। जो विलेज के हेडमैन थे उनको भी क्या फील दैट दे हैड द सपोर्ट ऑफ द लोकल जमींदार, और उनको ये लगता था कि उनको जमींदार का सपोर्ट है, तो इसलिए उन लोगों का हौसला इतना बढ़ गया कि उन्होंने रिबेलियन करने की सोची। व्हेन द न्यूज सेपरेट ऑफ द, अच्छा देखो जैसे जैसे ये न्यूज है धीरे धीरे फैली कि भाई रिबेलियन स्टार्ट हो गए, इंडिगो कहाँ पे, इंडिगो डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे इंडिगो वगैरह ग्रो होता था, फैक्ट्रीज वगैरह लगी हुई थी, तो वहाँ पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो क्या करते हैं, वहाँ पे विजिट करते हैं जो रेट्स होते हैं वहाँ के, सो द टूर एज ए साइन ऑफ। अब उनको ये लगता है कि यहाँ पे अगर ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है विजिट कर रहे हैं तो भाई ये हमारा साथ देंगे, ये हमारे फेवर में है, तो इसलिए उनका हौसला और ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो और ज़्यादा रिबेलियन करते हैं। अभी देखो वेरीड बाय द रिबेलियन द गवर्नमेंट ब्रॉट इन द मिलिट्री टू प्रोटेक्ट द प्लांटर्स। अभी देखो ये रिबेलियन इतना फैल गया था कि जो वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उनको ये टेंशन होने लगी थी, वो परेशान होने लग गए थे कि भाई कहीं ये जैसे 1857 या 58 की जो रिवोल्यूशन हुई थी उतना ना फैल जाए, तो इसलिए उन्होंने प्लांटर्स जो थे उनको क्या किया, प्रोटेक्शन उनको प्रोवाइड करनी स्टार्ट कर दी, उनको मिलिट्री प्रोटेक्शन उनको प्रोवाइड की, और एक इंडिगो कमीशन बैठाया गया। किस लिए बैठाया गया, ये देखने के लिए कि इंडिगो उगाने से किसानों के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो उसके किसानों के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, कि इंडिगो की वजह से किसान क्यों परेशान है। अब देखो इंडिगो कमीशन ने क्या डिक्लेरेशन दी, इंडिगो प्रोडक्शन वाज नॉट प्रॉफिटेबल, मतलब जो इंडिगो का प्रोडक्शन हो रहा है ये किसानों के लिए प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है, किसानों को इस चीज से बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, इवन ये कि उनकी जमीन भी फर्टाइल नहीं रह रही, उसके बाद उनकी जो जमीन है वो भी इनफर्टाइल हो रही है, कि आगे वो कोई दूसरी खेती भी नहीं कर पा रहे। द रॉयल्स वर टोल्ड टू फुलफिल देयर एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, उनको बोला गया कि ठीक है भाई आप लोगों ने अमाउंट ले रखा है ऑलरेडी एडवांस में, तो आप लोग एक काम करो, जो अभी कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है पहले उसको कंप्लीट कर लो, नए साल से जो कॉन्ट्रैक्ट होगा आप वो कॉन्ट्रैक्ट मत करना, ठीक है, उस वहां से आप लोग बिल्कुल डिनाई कर देना, वहां से आप लोग जो इंडिगो है उसको उगाना बिल्कुल बंद कर देना, बट ऑलरेडी जो आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है उसको फुलफिल करो, उसको कंप्लीट करो।
और क्या बोला गया, उनको बोला गया कि आप नेक्स्ट फ्यूचर में अगर आपको इंडिगो ग्रो करने के लिए फोर्स किया जाता है, आप कंप्लीटली उसको रिफ्यूज कर सकते हो, डिनाई कर सकते हो। ये आप लोगों को कमीशन ने क्लियरली आप लोगों के लिए कमीशन ने मेंशन कर दिया है। और देखो, आफ्टर द रिवोल्ट इंडिगो प्रोडक्शन कोलैप्स इन बंगाल, कोलैप्स हो गया कहाँ, बंगाल में। पहले ही डिस्कस किया, बंगाल में तो कोलैप्स हो गया, बंगाल में तो धीरे धीरे बंद होना स्टार्ट हो गया इंडिगो का प्रोडक्शन। बट द प्लांटर्स नाउ शिफ्टेड, कहाँ शिफ्ट हो गए, बिहार साइड में। कहाँ शिफ्ट हो गए, बिहार साइड में शिफ्ट हो गए विद द डिस्कवरी ऑफ सिंथेटिक डाई। अब देखो उस टाइम पे क्या था कि जैसे ही शिफ्ट हुए, बट उस टाइम पे काफी ऐसे केमिकल्स आ गए थे जिसकी हेल्प से डाई वगैरह हो जाती थी, बिजनेस वॉज सेवरली अफेक्टेड। बट यट मतलब उससे क्या हुआ, इंडिगो की जो खेती थी या फिर प्रोडक्शन था उस पर उन केमिकल्स की वजह से इंडिगो की खेती पे इम्पैक्ट तो पड़ा, बट इतना ज़्यादा अमाउंट में भी इम्पैक्ट हम लोग नहीं बोलते, फिर भी जो इंडिगो की डिमांड थी वो स्टिल अभी भी बनी हुई थी। अब देखो, अब एंट्री होती है हमारे महात्मा गांधी जी की। व्हेन महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका, जब महात्मा गांधी जी होते हैं साउथ अफ्रीका से वापस आते हैं, तो एक किसान थे बिहार में, वो इनको बिहार में बुलाते हैं, कहाँ पे, चंपारण में, ठीक है, वहां पे बुलाते हैं। किस लिए बुलाते हैं कि भाई अब जो बंगाल से जो शिफ्ट हुआ है बिहार में इंडिगो की खेती करवा रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पे किसानों की हालत देखो, आके किसानों को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो उस टाइम पे किनको बुलाया गया, महात्मा गांधी जी को बुलाया गया। महात्मा गांधी जी विजिट करते हैं इन 1917 एंड बिगनिंग ऑफ द चंपारण मूवमेंट, और वहां पे एक चंपारण मूवमेंट स्टार्ट होता है। क्या, चंपारण मूवमेंट स्टार्ट होता है अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स, वहां पे जो भी इंडिगो के प्लांटर्स थे उनके अगेंस्ट में होता है। महात्मा गांधी किनके फेवर में थे, जो वहां के किसान थे उनके फेवर में थे। चंपारण में उनको बुलाया गया था, किसी किसान ने बुलाया था उनको। किस लिए बुलाया था, वहां के जो किसानों की हालत दिखाने के लिए कि आप यहाँ विजिट करो, आप हमारा साथ दो एक मूवमेंट चलाने में। उस मूवमेंट का नाम क्या था, चंपारण मूवमेंट। ओके स्टूडेंट, 1917 में हुआ था, याद रखना, चंपारण मूवमेंट 1917। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है और उसके साथ हमारा चैप्टर भी खत्म हो गया। तो हमारे 3 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। आप अच्छे से इन वीडियोस को देख के अपने चैप्टर को कवर कर लो, बिकॉज समर वेकेशन चल रही है, तो पढ़ाई करना बिल्कुल बंद मत कर देना। हाँ, और इसके साथ एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना भूल जाते हो, तो स्टूडेंट्स प्लीज़ ऐसा मत किया करो, क्योंकि आप लोगों की मेहनत के साथ साथ हमारी भी बहुत मेहनत होती है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर किया करें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।